नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त जो कि जानकारी देने वाले हैं। आपको उन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना होगा जो कि आज की वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहे। दोस्तों, इस चैनल पर आज का राशिफल तो आपको हर रोज देखने को मिलते हैं, साथ ही कुछ जरूरी बातें भी आपको इस चैनल पर हर रोज देखने को मिलते हैं। यह आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसे अगर आप मिस करेंगे तो आप कंगाल बने रहेंगे। अगर आपको रोडपति से करोड़पति बनना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति की वजह से बहुत से शुभ और अशुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे व्यक्ति की राशि में इन योगों की स्थिति होती है, उसी के अनुसार जीवन में फल मिलता है। दोस्तों, कुंभ राशि के जातक अपने आसपास की दुनिया को सुधार कर उसे रहने लायक एक अच्छी जगह बनाना पसंद करते हैं। इस राशि का प्रतीक एक आदमी है जो कंधे पर घड़ा उठाए हुए है। ये सच्चे अर्थों में मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं, उन्नतशील और आधुनिकता से जो अपने विचारों पर चलते हैं, और ज्यादा ही दूसरे लोग भी इनसे जुड़ जाते हैं और एक बेहतर समाज बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। इनकी मित्रता का दायरा काफी बड़ा भी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं बनी रहती, ये लोग सदा कंगाल बने रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी लिखना ना भूले। तो चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन पर लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं बनी रहती और वे लोग सदा कंगाल बने रहते हैं। आचार्य चाणक्य दूरदर्शी और महान रणनीतिकार थे। उन्होंने चाणक्य नीति जैसा महान ग्रंथ लिखा है, जिसमें लोक कल्याण की बातें नीतियों के रूप में बताई जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति के लिए धन आवश्यक होता है। धन के महत्व को समझाते हुए आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कुछ विशेष लोगों की आदतों के कारण उनके पास धन कभी नहीं रुकता है, उनका संपूर्ण जीवन दरिद्रता में भी बीतता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहला है सुबह देर तक सोने वाले। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो सुबह देर तक सोते हैं और सूर्योदय हो जाने के बाद भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों पर कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। ऐसे लोगों के यहाँ सदा दरिद्रता का वास होता है। अगला है शारीरिक गंदगी वाला। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग गंदे वस्त्र पहनते हैं, अपने दांत साफ नहीं करते हैं और साफ सफाई से नहीं रहते, ऐसे लोगों के यहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। अगला है अधिक भोजन करने वाले। नीति शास्त्र के अनुसार आवश्यकता से अधिक भोजन का उपभोग भी दरिद्रता की ओर ले जाता है। जो लोग आवश्यकता से अधिक भोजन का उपभोग करते हैं उनकी सेहत तो खराब होती ही है, साथ ही ऐसे लोगों के यहाँ सदा अन्न और धन की परेशानी बढ़ जाती है। और आखिरी है कटु बोलने वाला। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने वाला सभी का प्रिय होता है और समाज में वह सदैव सम्मान पाता है। कठोर वाणी बोलने के कारण न केवल लोगों से संबंध खराब होते हैं, बल्कि ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, यह थे वो 4 लोग जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं बनती है और ये लोग जो कि सदा कंगाली से जूझते रहते हैं। अब बात करते हैं वास्तु विज्ञान के अनुसार कौन से गलतियों से धन का नुकसान होता है उसके बारे में। हम अपने घर में कैसे रहते हैं और हमारी दिनचर्या में कौन कौन सी बातें शामिल है और हम प्रत्येक काम को किस तरह से करते हैं, इन सब बातों का संबंध भी वास्तु से होता है। वास्तु में घर से जुड़े सभी कार्यों को करने के तरीके के बारे में बताया गया है। इन्हीं कार्यों को अगर हम गलत ढंग से करते हैं और वास्तु के नियमों को अनदेखा करते हैं तो हमें धन के नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं,
जो जाने और अनजाने में आप भी कर सकते हैं और फिर धन की हानि होने लगती है। तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से, अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस्य के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत बदल लीजिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ या फिर पुरानी फटी हुई टूटी हुई वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। अगला है झाड़ू को पटका कर रखने से। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को अहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। अगला है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से। हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी हुई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। अगला है घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की पूजा की जाती है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसे करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। अगला है घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लगा रहा है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है। इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। और आखिरी है घर के मुख्य द्वार के सामने सफाई नहीं होने से। घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहाँ से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।